दोस्तों ये है उषा कंपनी का सीलिंग फैन, तो इसमें 4 वायर हैं, तो इसका कैपेसिटर ख़राब हो गया था तो आज इसके कनेक्शन करने वाले हैं। तो इसमें 4 वायर हैं, देखिए 2 काले रंग के और 2 लाल रंग के, और 2 कैपेसिटर के कनेक्शन इन्हीं वायरों में करना है। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक लाल रंग का एक काले रंग का वायर, इनको आपस में इस तरह से उमेटना है। उसके बाद में क्या करना है, एक काले रंग का लाल वायर बचा हुआ है तो इसमें कैपेसिटर के दोनों वायरों को उमेटना है। इस तरह से बारी बारी से दोनों वायरों को उमेट लेना है। उसके बाद में लेना है बिजली वाली लीड। अब इसको लगाएंगे, एक जो लाल और काला वायर जो उमेटा हुआ था इसमें एक वायर लगाना है, और एक वायर जो कैपेसिटर और लाल वायर है ये वाला, तो इसमें दूसरा वायर इस तरह से लगा लेना है बिजली का, ठीक है। उसके बाद में इसको चेक करेंगे, सबसे पहले इसको ऊपर उठा लेंगे थोड़ा सा, तो इस तरह से इसको थोड़ा ऊपर उठाने के बाद इसको बिजली में लगाते हैं। देखिए फैन है वो घूमने तो लगा है लेकिन उल्टा घूमने लगा है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको सीधा करेंगे। अब सीधा करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, बिजली के वायर को हटा लेंगे इस तरीके से। उसके बाद में इसका जो लाल वायर है इसको चेंज कर देंगे, जो दोनों काले और लाल अमेठे हुए थे इसको हटा करके कैपेसिटर वाले में लगा देना है, और जो कैपेसिटर वाला है उसको हटा करके काले वाले वायर में लगा लेना है। तो इस तरह से कैपेसिटर वाला लाल वायर में लगा दिया। अब ये दूसरा जो कैपेसिटर में लगा हुआ था इसको काले वाले में लगा देना है, मतलब अदल बदल कर देना है। तो दोनों वायरों को इस तरह से बदल दिया है। उसके बाद में फिर से चेक करना है, तो बिजली के वायर उन्हीं वायरों में लगाएंगे, एक काला और लाल वायर था उसमें और दूसरा कैपेसिटर का और लाल वायर था, तो इस तरीके से। उसके बाद में फिर से एक बार बिजली के बोर्ड में लगाते हैं, तो देखिए फैन है वो बिल्कुल सीधा घूमने लगा है। तो इस तरह से आप फैन और कैपेसिटर के कनेक्शन कर सकते हैं, लेकिन अभी इसके सॉकेट में इनके कनेक्शन नहीं किए हुए, तो सबसे पहले इन्हीं वायरों को सॉकेट में लगा लेते हैं। कि सॉकेट में ये वायर कैसे लगेंगे, तो सॉकेट में सबसे ऊपर वाले खाने में लगाएंगे लाल और काला वायर, जो कि कॉमन वायर बनाया हुआ था दोनों कॉइलों का ये वाला वायर, तो इसको सबसे ऊपर वाले सॉकेट में कसेंगे। तो इस तरीके से लाल और काले वायर को सबसे ऊपर वाले सॉकेट में कस लिया है। उसके बाद में सबसे नीचे वाले सॉकेट में लाल वायर और कैपेसिटर का वायर है वो सबसे नीचे वाले सॉकेट में कसना है, तो इसको भी कस लेते हैं। तो इस तरीके से लाल वायर और कैपेसिटर के वायर कस लिया। अब एक ही वायर बचा हुआ है कैपेसिटर और काला वायर, इसको बीच वाली पिन में कसेंगे, तो सॉकेट के बीच वाले पिन में इसको कस लेते हैं। तो इस तरीके से काला वायर और कैपेसिटर वायर को बीच वाली पिन में कस लिया है। तो उम्मीद है दोस्तों फैन और कैपेसिटर के कनेक्शन करना आप सीख गए होंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।